अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक है इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट का आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब हम नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट में आएंगे। तो अगर आपको नेस्टेड इफ समझना है तो सबसे पहले आपको जितने भी इफ मैंने पढ़ाए हैं, सिंपल इफ, इफ एल्स लेदर, इनको पहले अच्छे से आपको समझना होगा, तब जाके आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट समझ में आएगा। नेस्टेड का जो मतलब होता है, जैसे कि नेस्ट होता है वर्ड का, उसमें कैसे गुदे हुए रहते हैं एक पर एक, उसी से ये टर्म लिया गया है। प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टेड का मतलब होता है एक ब्लॉक के अंदर सेम फीचर ऑफ ब्लॉक, दैट मीन्स इफ के अंदर एक और इफ। जैसे कि यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इफ है, इसके अंदर हम एक और इफ का ब्लॉक तैयार करेंगे, अब ये कहलाएगा नेस्टेड इफ। हम इसके अंदर एक और इफ दे सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, अगर प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी जरूरत पड़ रही है तो हम वहां पर कई सारे इफ्स को दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होगा, ये सारे अंदर के जितने इफ हैं किसी काम के नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशन पे हम ऐसे इस तरह के प्रोग्रामिंग को हम लिखते हैं। तो प्रोग्राम करके समझते हैं कि नेस्टेड इफ को हम कैसे यूज करेंगे। ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग है नेस्टेड इफ का, इसके जस्ट बाद मैंने एक एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग देना है नेस्टेड इफ को लेके, जिसमें हम कई सारे इफ्स को यूज करेंगे, एल्स इफ को भी यूज करेंगे, एल्स को भी यूज करेंगे, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो पहले आप ये वीडियो देख लो, समझ लो, फिर नेक्स्ट पे आप देखना। यहां मैंने पहले से कुछ प्रोग्राम्स किए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ा इस कोड का ब्रीफ दे रहा हूं। यहां पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है, ए एंड बी। उसके बाद मैंने प्रिंटेफ फंक्शन की मदद से एक मैसेज को डिस्प्ले कराया है, जहां यूजर को डिस्प्ले होगा मैसेज कि वो प्रेस 1 टू स्टार्ट, ठीक है, जब वो 1 प्रेस करेगा तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद उसके वैल्यूज को लेके मैंने डाल दिया है परसेंट डी, यानी कि स्कैनफ की मदद से हमने उस वैल्यू को उठाया है। फिर इफ की मदद से मैंने ए के वैल्यू को कंपेयर किया है, अगर ए के बराबर है ए इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब ट्रू होगा तो यहां पर एक और इफ के अंदर जो इफ यहां पे यूज है उसको हमें चलाने के लिए मैंने फिर से एक मैसेज को डिस्प्ले कराया है। वो मैसेज क्या है, इंटर योर नंबर। जब वो यूजर अपना नंबर डालेगा तो फिर वो नंबर उठेगा स्कैनफ की मदद से, या फिर एक बार क्या होगा, कंडीशन मैंने लगाया है इफ 0 इक्वल टू जो है, ये क्या है, मतलब एक मैंने मॉडुलर डिवीजन यूज किया है, अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर है तो वो इवन नंबर होगा, यानी कि 2 से अगर डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, नहीं तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग हमारा है, एक बार इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, अब रन करा के दिखाते हैं। देख रहे हैं, प्रेस 1 टू स्टार्ट, मैंने 1 किया, ठीक है, इंटर योर नंबर, मैंने डाला 2, नंबर क्या है, इवन, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर रन कराते हैं, फिर डालते हैं एक बार 1, स्टार्ट हो गया, इस बार डालेंगे 5, नंबर इज ऑड, ठीक है, चल रहा है, एक बार फिर रन कराते हैं, इस बार डालते हैं 4, 1 नहीं डालेंगे, तो इनवैलिड एंट्री, क्योंकि हमने लास्ट में एल्स में क्या दिया है, इनवैलिड एंट्री दिया है। तो ये है नेस्टेड इफ, जो कि इफ के अंदर मैंने इफ एक ब्लॉक यूज किया है। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग है तो आप उसको भी करके मुझे बताओ कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कितने एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल नेस्टेड इफ है। इसके बाद जस्ट मैं एक एडवांस लेवल का नेस्टेड इफ देने वाला हूं, तो पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, ये एक बाहर का, यानी कि इसका ये स्टार्टिंग और इसका ये एंड, ये है एक्सटर्नल इफ और ये है आपका इंटरनल इफ, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ। आप इसके अंदर चाहे तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप एक कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये है हमारा नेस्टेड इफ, जिसको हमें बताना था। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट आप जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।